सारे नो प्यार परी सत श्री अकाल। तो आज मैं आप सबके लिए मेथी मलाई की एक अनोखी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो आपने कई बार बनाई होगी लेकिन इस तरह की खाई नहीं होगी। तो इसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की एक बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे, साथ में बनाएंगे पालक के खस्ता पराठे बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो पालक नहीं भी खाते उनको बहुत टेस्टी लगेंगे, वो इस पालक के पराठे के फैन हो जाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेथी मलाई बनाने के लिए एक चम्मच डालेंगे ऑयल डालेंगे, इसमें एक चम्मच डालेंगे हम जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा अच्छे से चटक जाए तो अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे लिया है मैंने लहसुन, 4 से 5 कलियों को अच्छे से क्रश कर लिया। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसकी जगह हींग का यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जैसे कुछ सेकंड के लिए अब हमने इसे भूनना है, भूनने के बाद अब हम डालेंगे 2 चम्मच डालेंगे इसके अंदर बेसन डालेंगे। बेसन डालने से ये फ़ायदा होता है, जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो बेसन डालने से और सब्ज़ी का पानी अलग नहीं होता और एक बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनती है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनती है। और बेसन को हमने कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भूनना है, और जैसे हमारा बेसन भुन जाए तो अब हमने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हमारा बेसन जल ना जाए। अब क्या करना है, अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हमें इसे मिक्स करते हुए कुछ मसाले इसमें हमने ऐड करेंगे। इसके साथ हम डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच डाला है जीरा पाउडर डाला है। और उसके डालने के बाद यहाँ पे मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बना के डाली है। तो आप इसमें मिक्सी में भी ग्राइंड करके टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्यूरी पड़ी थी तो मैंने इसके अंदर प्यूरी डाल दिए। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। और पकाने के बाद अब यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे कूटा हुआ मैंने डाला है अदरक डाला है, इसी के साथ 1 चम्मच हम डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद नमक डालना है, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ अब हम यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप उबले हुए मटर, जिसे मैंने चीनी और नमक डाल के उबाल लिया था। और अगर आपके पास उबले मटर ना हो तो आप इसकी जगह फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं तो आप ताज़ा मटर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 कप लूँगी ताज़ी मेथी, जिसे मैंने अच्छे से पहले वॉश किया था, फिर मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए अब यहाँ पे मैं डालूँगी काजू का पेस्ट। 10-12 मैंने काजू का पानी में डालकर अच्छे से उसको पीस लिया था। उसको डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमने कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से ढक कर पकाएंगे। वो हमने इसलिए पकाना है ताकि जो हमने मेथी और काजू मसाले डाले वो अच्छे से पक जाएं। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप इसकी जगह मूंगफली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। और उसके बाद ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे मेथी मलाई बना रहे हैं तो घर में जो ताज़ी मलाई आपकी निकली हो दूध में से वो डाल सकते हैं, या आपके पास क्रीम पड़ी है वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, इसे सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए और इसे पकाते हुए कम से कम मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे डालेंगे 1 कप गरम पानी डालेंगे। गरम पानी डालकर अब हमने इसे लगातार 7 से 8 मिनट तक पकाना है। और गरम पानी डालने से हमारी जो कुकिंग प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाता है, ठंडा पानी डालने से हमारी सब्जी को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लीजिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी मेथी मलाई की सब्जी बन चुकी। अब लास्ट में मैं 1 चम्मच डालूँगी देसी घी डालूँगी। देसी घी डालने से एक सब्जी का अलग सा टेस्ट आता है। और इसमें मैं थोड़ा सा डाली हूँ कटा हुआ पनीर डाल रही हूँ, तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। पनीर डालने से सब्जी में बहुत एक अलग सा टेस्ट आता है। तो लास्ट में मैं डालूँगी किचन किंग मसाला डालूँगी 1 चम्मच।
और उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पे मैंने खोया डाला है, जिसे मैंने बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया था। कम से कम 10 ग्राम यहाँ पे मैंने खोया, और उसके बाद कभी खोया डाल के सब्जी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। लीजिए हमारी मेथी मलाई की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी। लास्ट में मैं इसे गार्निश करूँगी हरे धनिए से। लीजिए आप इस सब्जी को ज़रूर बना के देखिए, बड़ी ही लजीज और बहुत ही लाजवाब ये सब्जी बनती है। और इसका और स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पर बनाएंगे टमाटर की चटनी बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हमारे पिंड में बनाई जाती है ना, बिल्कुल वैसे बनाएंगे। तो 1 चम्मच क्या डालना है, हमने 1 चम्मच डाला है ऑयल डाला, उसके साथ हम डालेंगे जीरा और 1/2 टीस्पून डालेंगे मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दाने डालेंगे। उसी के साथ डालेंगे 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ली हैं, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। काटने के बाद अब हमने इसे हल्का सा हाँ भुनना है। भुनने के बाद अब हाथ से क्रश करके हम डालेंगे, यहाँ पे डाला मैंने कड़ी पत्ता डाला, जिसे मैंने हाथ से ही तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए टमाटर को हम इस तरह काट कर हम इसके अंदर पैन के अंदर इस तरह हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर। अब यहाँ पे मैंने कुछ पानी डालकर, थोड़ा सा पानी डालना, जैसे 1/4 कप पानी डाला। पानी डालने के बाद अब हम इसे ढककर पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो हमारे टमाटर की स्किन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं स्किन देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो इस टमाटर की स्किन है वो हमने इस तरह अच्छे से करके इसको उतार लिए। उतारने के बाद अब हम इसे इस तरह मैश कर देंगे। ये देखिए सारे टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। मैश होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी डालेंगे, इसी के साथ 1 चम्मच यहाँ पे नमक डालना है। नमक और आप चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना आप मिर्ची डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मिर्ची काट कर बारीक बारीक काट कर डाली है। और उसके बाद आप ये देखिए आप इस चटनी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखिए मैंने इसे ठंडा होने के बाद इसे कटोरी में निकाल लिया है। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया डालेंगे, साथ में कटे हुए प्याज डालेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही, एक बारी ज़रूर बना के देखिए, बहुत स्वाद का काम करती है। और मुझे तो ये परौंठों के साथ बहुत स्वाद लगती है, एक बारी ज़रूर बनाइए घर में, आप बहुत सब आपकी तारीफ करेंगे। तो अब बनाएंगे खस्ता पालक का पराठा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसके लिए क्या करना, हमने यहाँ पे 2 कप लिया है गेहूँ का आटा, और इसी के साथ 1/2 कप हम लेंगे बेसन लेंगे। बेसन डालने से परौंठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और साथ में यहाँ पे पालक लिया है, 1 कप पालक लेंगे, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ब्रेक ब्रेक काट लिया। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इसी के साथ 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, और उसके साथ 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे, और नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालना है। और 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी डालेंगे, और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च। आप इसकी जगह हरी मिर्च काट कर भी डाल सकते हैं, या इसके अंदर चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हमने हाथों से मिक्स करते जितना आपको पानी की ज़रूरत हो, थोड़ा थोड़ा पानी करके अब हम इसके अंदर डालकर आटा लगाएंगे। और जैसे थोड़ा सा आटा घुस जाए तो अब इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे देसी घी डालेंगे, या आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको डालने के बाद अब हमने आटे को अच्छे से गूंद कर एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। लीजिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया। अब अगर आप दही डालकर आटा गूंद रहे हैं तो आपको उसी टाइम परौंठे बनाने पड़ेंगे, वरना अगर आप इस तरह आटा लगा रहे हैं तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं। देखिए 5 से 10 मिनट रखने के बाद अब यहाँ पे हमने एक पेड़ा लेना है। पेड़ा लेने के बाद जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे बनाने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच देसी घी लगाएंगे। तो हमने इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब क्या करना है, अब इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह हम इसको करने के बाद इस तरह हम इसका पेड़ा बनाएंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारा पराठा होता है वो बहुत ही खस्ता बनता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है।
और अब देखिए बेलने के बाद अब इस तरह से पकड़ के अब इसको हम डालेंगे तवे के ऊपर डालेंगे, और तवे के ऊपर डालने के बाद जैसे ही एक साइड से सिक जाए तो अब हम इसे दूसरी साइड से सेकेंगे, और दोनों साइड से सेकने के बाद अब थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी लगाएंगे। आप इसकी जगह बटर ऑयल जो आपके पास यूज़ कर सकते लीजिए। हमारा बहुत खस्ता सा पालक का परौंठा बनके रेडी है। लीजिए हमारी मिनी वेज थाली बनके बिल्कुल रेडी है। मेथी मलाई और टेस्टी सी टमाटर की चटनी और खस्ते हमारे पालक के परांठे। और वीडियो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे फिर नई रेसिपी।